हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने आज अपन कक्षा सातवीं की फिफ्थ चैप्टर संज्ञा इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट है लिंग। लिंग क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा कि ये पिक्चर के माध्यम से शेर दहाड़ रहा है, बिल्ली दूध पी रही है, मम्मी खाना बना रही है और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। ऊपर दिए वाक्यों में शेर और पिताजी से उनके पुरुष जाति होने के तथा बिल्ली और मम्मी से उनके स्त्री जाति होने का पता चल रहा है। अपन ने पिक्चर के माध्यम से इसलिए लिया, आपके बुक में आप देखेंगे तो हम पिक्चर के माध्यम से कोई भी वाक्य को हम देखते हैं तो वो बहुत ही इजीली हम उसको समझ पाते हैं। जैसे कि हमने पिक्चर के माध्यम से देखा कि शेर दहाड़ रहा है, बिल्ली दूध पी रही है, मम्मी खाना बना रही है और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो आप स्पष्ट बता सकते हैं कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। तो इसके आगे शब्द का वह रूप जो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। ये लिंग की डेफिनेशन है, परिभाषा है। इसके बाद में लिंग के दो भेद हैं, फर्स्ट है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, स्वाभाविक है आप सबको मालूम है इसकी परिभाषा कि पुरुष जाति जिस शब्द संज्ञा शब्द से जिस पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पिता, चाचा इत्यादि। और स्त्रीलिंग की है संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता और चाची। इसके बाद में पुल्लिंग की पहचान। अब हमको कुछ शब्द दे दिए गए हैं, अब हमको पहचानना है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो आपके बुक में पूरा चार्ट बना हुआ है, तो आप चार्ट की मदद से बहुत अच्छे से समझ के कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट दिया है पुल्लिंग की पहचान हम कैसे करें, तो पर्वतों के नाम शिवालिक, विध्यांचल, सतपुड़ा, हिमालय, कैलाश, आल्पस आदि आपने सबने सुन रखे हैं ये। इसके बाद में फलों के नाम संतरा, सेब, अंगूर, केला, आम, चीकू, अमरूद इत्यादि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसके बाद महीनों के सभी भारतीय महीनों के नाम जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। और अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसी के बाद में समय सूचक नाम, आप सेकेंड, क्षण, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, युग, वर्ष, ये सब समय सूचक है। इसके बाद में हम देखते हैं देशों के नाम जैसे कनाडा, चीन, अमेरिका, भारत, जापान, कोरिया, थाईलैंड इत्यादि, है ना। इसके बाद में ग्रहों के नाम मंगल, बुध, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, है ना, आपने पढ़ रखे हैं SST में। इसके बाद में धातुओं के नाम सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा इत्यादि। वृक्षों के नाम अशोक, पीपल, नीम, आम, कीकर, बरगद आदि। अनाजों के नाम चावल, गेहूं, चना, बाजरा इत्यादि। द्रव पदार्थ दूध, घी, तेल, मक्खन, शरबत इत्यादि, ये द्रव पदार्थ हैं। इसके बाद में वर्णमाला, सभी को मालूम है ई ई ऋषि को छोड़कर सभी वर्ण पुल्लिंग हैं। इसके बाद में जिन शब्दों के अंत में आपा, खाना, आओ, पन, त्व, आ, आर, न, आवा आदि आते हैं प्रायः पुल्लिंग होते हैं। विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि जब ये शब्द आते हैं आपा, खाना, आओ, पन, त्व और आ, आर, न, आवा आदि आते हैं, वहां पे विशेषकर पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में इससे कुछ शब्द दिए हुए हैं तो आपको बुक की मदद से आपको पढ़ लेना है। जैसे आपा से बुढ़ापा, मोटापा, खाना से खान, डाक खाना, दवा खाना, आओ से चढ़ाव, लगाव, पन से लड़कपन, बचपन, त्व से पुरुषत्व, देवत्व, आ से बूढ़ा, कूड़ा। इसके बाद में आर से लुहार, अनार, तो ये सारे आपको बुक में मिल जाएंगे। इसके बाद में स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे हम, अभी अपन ने देखा पुल्लिंग की पहचान, अब स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे? तो भाषाओं के नाम जैसे मराठी, हिंदी, तमिल, कोंकणी, चीनी, जापानी, पंजाबी आदि, ये स्त्रीलिंग की पहचान हम इसी से करते हैं। इसके बाद में लिपियों के नाम रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी आदि।
बोलियों के नाम पहाड़ी, भोजपुरी, हरियाणवी, मलयालम आदि। इसके बाद में नदियों के गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, व्यास, सतलुज आदि। और तिथियों के नाम पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, सप्तमी, प्रथमा आदि। इसके बाद में नक्षत्रों के नाम हैं, अंत में ई आने वाले शब्द हैं, अंत में आ आने वाले तत्सम शब्द हैं, अंत में ऊ आने वाले तत्सम शब्द हैं, शरीर के अंगों के नाम कुछ दिए हुए हैं, और त और ह आ आने वाले अरबी फारसी शब्द भी हैं इसमें। तो आपको ये बुक की मदद से बहुत अच्छे से इनको सबको पढ़ना है। इसके बाद में जब मेन इम्पॉर्टेंट है कि लिंग परिवर्तन के नियम, जब हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो किस तरह से उसमें चेंज करना है हमको आना चाहिए। तो ये आपके चार्ट में लिखा हुआ है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं, जैसे चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में। तो पुल्लिंग में दिया हुआ है विमल, तो जब ये स्त्रीलिंग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, विमला। इसी तरह से आ, आ का उच्चारण करते हुए गुड्डा, तो गुड़िया। इसी तरह से और आगे है ई की मात्रा लगा के आ को ई में परिवर्तित करके, जैसे चाचा का चाची। इसके बाद में अक या इका, तो संचालक का संचालिका। इसके बाद में वान, रूपवान का रूपवती। इसके बाद में अ आ ई ऊ, ये सब हैं, तो लाला से ललाइन, बाबू से बबुआइन। इसी तरह से आ या ई को इन में परिवर्तित करके, जैसे बाघ का बाघिन, और अंत में आनी, जैसे नौकर का नौकरानी, नी से ऊंट से ऊंटनी, और नर से भालू का मादा भालू, ऐसे भी लिख सकते हैं, नर गिलहरी गिलहरी, है ना। इस तरह से भिन्न रूप वाले पुल्लिंग शब्द, तो सम्राट का साम्राज्ञी। अब इसमें कुछ डेफिनेशन दी हुई है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आओ पाठ दोहराए में, सबसे पहले लिंग की डेफिनेशन दी हुई है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। इसके बाद में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके बाद में पुल्लिंग की डेफिनेशन, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। इसके बाद में स्त्रीलिंग की डेफिनेशन है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके बाद में पुल्लिंग शब्द कैसे बनाएंगे, स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे, ये सब इसमें दिया हुआ है। इसके बाद में आपका अभ्यास है, आप बुक देखेंगे तो बुक में सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो फर्स्ट है, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके बाद में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंतिम अक को किस में परिवर्तित करते हैं, इका में। इसके बाद में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, मिलावट। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है, लिंग से क्या तात्पर्य है, ये आओ पाठ दोहरा इसमें भी है और आपने बुक पढ़ी है, पढ़ेंगे उसमें भी आपको लिंग की डेफिनेशन इजीली मिल जाएगी। तो आप बुक की सहायता से ये क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में पुल्लिंग की भी दी है, स्त्रीलिंग की भी दी है, और शरीर के कौन से अंग स्त्रीलिंग और कौन से अंग पुल्लिंग होते हैं ये मैंने अभी आपको चार्ट बताया था, आप चार्ट की मदद से इसको ये क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थानों में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग भरिए। दिनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए वाक्यों को सही शब्द भरकर पूरा कीजिए। दो दो ऑप्शन हर उसमें दिया हुआ है, 1 करेक्ट है, आपको जो करेक्ट है उसको आपको सही करके लिखना है। तो सबसे फर्स्ट है, मकान बड़ा है, झोपड़ी छोटी है, चित्र अच्छा है, छतरी काली है, पेन नीला है। तो दो दो ऑप्शन सब में दिए हुए हैं, 1 करेक्ट है, तो अब जो करेक्ट है वो मैंने आपको बताया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग परिवर्तित करके पुनः लिखे। अब रंगीन शब्द में दिया हुआ है नानाजी, और उसके आगे लिखा हुआ है बाहर गए हैं। अगर हम लिंग परिवर्तित कर रहे हैं तो नानाजी के स्थान पर क्या आ जाएगा, नानी जी आ जाएगा। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, नानी जी बाहर गए हैं, तो ये करेक्ट है। जब आप
लिंग परिवर्तित कर रहे हैं तो पूरा सेंटेंस चेंज करना है आपको, ठीक है। तो आप, मैं एक बता दे रही हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरे भी करने हैं। तो फर्स्ट है नाना जी बाहर गए हैं, तो ये आएगा नाना जी के स्थान पर क्या आ जाएगा, नानी जी बाहर गई हैं। तो इसी तरह से सारे आपको बनाना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। आपको पुल्लिंग में दिया हुआ है, सारे शब्द आपको स्त्रीलिंग में लिखना है। जैसे कवि का कवित्री, क्षत्रिय का छत्राणी, मोर का मोरनी, नौकर का नौकरानी, मुर्गा का मुर्गी, पुत्र का पुत्री, पिता का माता, गायक का गायिका, अभिनेता का अभिनेत्री, गुड्डा का गुड़िया। इसके बाद में ने क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धियां दूर करके पुनः लिखिए। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है आपको कि चार बालक उधर जा रहा था, जा रही थी, सॉरी, तो क्या जा रही थी सही है, चार बालक, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग सेंटेंस है, बालक का संबोधन किया गया है और लेकिन बता रहे हैं क्या है, स्त्रीलिंग, तो ये क्या है, करेक्ट है, नहीं करेक्ट नहीं है। तो आपको इसको करेक्ट करके कैसे लिखेंगे आप, चार बालक उधर जा रहे हैं। उसके बाद में शेरनी जंगल में दहाड़ रहा है, तो शेरनी जंगल में दहाड़ रही है, इस तरह से आपको बनाना है। तो ये तमाशे वाले की बंदरिया बहुत अच्छा नाचा, बनियाइन सामान कम तोलता है, रामू गांव का चौधराइन। इसके बाद में आपको ये करेक्ट करके आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो ये आज के लिए ये चैप्टर अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे।